आनंद चलो भाई, मम्मी डैडी काम कर रहे हैं वहाँ पे और तुम सोए हो इधर। मतलब आलू वगैरह उकल रहा है जो डोसे के सब्जी के लिए यूज करते हैं हम लोग। सो ये जैसे ही होगा, इडली का सब कपड़ा वगैरह लगा के रेडी रखा, तो ये फटाफट मैं इडली डालूंगा। आप लोग ही देख रहे हो सुबह बराबर से लेके और अभी बन गिर गया। मतलब बराबर संडे के दिन गाड़ी ऐसे धोखा दे देती है। आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप सब लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो। सो आज का हमारा व्लॉग 123 है, 123 एग्जैक्ट। सो काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ, मतलब कंसिस्टेंसी हो काम को लेके, और सब काम भी करता हूँ ऑफ कैमरा। सिर्फ आप लोग को 24 आवर्स में मैं कुछ 18 मिनट्स का वीडियो दिखाता हूँ रोज, और बच्चे भी 23 आवर्स जो भी है, तो और रिमेनिंग रहते तो 23 आवर्स 40 मिनट्स और बचे हुए थे लाइफ में। और उसमें से मैं ऑफ कैमरा बहुत कुछ भी करता हूँ कभी कभी, वो आप लोगों को बता नहीं पाता हूँ। बट कोई ना, आप लोग ऐसे ही सपोर्ट दिखाए रखना, और जल्दी हमारे 200 सब्सक्राइबर होने वाले। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, आप लोगों ने कल का ब्लॉग देखा था, संडे तो मैं सुबह 4:40 को उठाऊँ मॉर्निंग में, तो अभी जस्ट 5 बज रहे, तो फटाफट मैं निकलूँगा एंड जस्ट मेरे को उठा संडे काम को। लड़के लोग ने, आप लोगों ने कल के ब्लॉग में देखा, आप लोगों समझ ही गया होगा, तो काम को लड़के नहीं है। सो अभी काम करना पड़ेगा मेरे को, और आज इडली मैं डालूंगा, क्योंकि संडे एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे तुमको बिजनेस में जाने से पहले सब इडली वगैरह का स्टॉक करना पड़ता है, मतलब इडली सब बना के रखना पड़ता है तैयारी, क्योंकि इतना गर्दी रहता है संडे का। कल मैं थक चुका था काफ़ी, बट आज उससे डबल ट्रिपल थकने वाला हूँ। और मैं रात को जस्ट एडिटिंग वगैरह करके थोड़ा लेट सोया गाइस, क्योंकि कल मेरी टीम का मैच था। मैच देख रहा था मैं 12 बजे एग्जैक्ट में सो गया, और अभी 4:30, मतलब नॉर्मली नींद देखेंगे तो आसपास 4:30 घंटा ही मैं सोया हूँ। बट कोई ना, हम लोग हमारा बेस्ट देंगे आज भी। आज का दिन काफ़ी ज़्यादा टफ होने वाला है, बट वी विल डू आर बेस्ट। सो चलता हूँ मैं फिलहाल वाले घर पे, और वैन वाले घर पे नहीं जाऊँगा मैं, यहाँ से जाते जाते ही वैन लेके जाऊँगा, और इडली वगैरह जो भी है वो मैं कंटिन्यू डालते रहूँगा। और अभी फिलहाल ना पूरा अंधेरा है, वहाँ पर मैं रिकॉर्डिंग भी बराबर नहीं कर सकता, मैं वो फ्लैश ऑन करके रखना पड़ेगा। सो इसी तरह आज का दिन हम लोग करते हैं शुरुआत गाइस। आई होप तुम आज भी मेरा ब्लॉग लास्ट तक देखोगे, और चलते हमारी वैन लेके चलते, लेट्स गो। सो आ गया हूँ गाइस मैं फिलहाल चल के घर पे से अपने वैन के पास, और अपने वैन जस्ट यहाँ पे। सो चलता हूँ वैन में बैठता हूँ, और कल के जैसा अपने वैन की वैन, मतलब कल के ऐसा जिधर वैन अपने हम लोगों ने पार्किंग किया था हमेशा की तरह, तो उधर पार्किंग करूँगा मैं, और जो काम है वो बाकी के लोग करते रहेंगे वैन को लेकर। मतलब वो लोग सामान वगैरह, मतलब उसके अंदर इधर ड्रम वगैरह, इसके अंदर पानी वगैरह भरेंगे सब, और उधर टीप वगैरह और सांभर वगैरह भी लोडिंग करते हैं, आप लोग को पता है अगर आप लोग ब्लॉग देखते हो तो मेरा। सो चलता हूँ फटाफट, और वो लोग उनका काम करेंगे, मेरे को इडली डालना पड़ेगा, इडली का स्टॉक करूँगा मैं, और चलते हैं गाइस लेट्स गो। वैन चालू हो जाएगी अपना, कुछ प्रॉब्लम नहीं है वैन का, क्योंकि वैन कल चालू हो गई थी 8 दिन बाद बिजनेस चालू होता है। तो सो चलते और अपना काम चालू करते हैं गाइस। 12 seconds later इधर आ गया हूँ, मम्मी इधर है, मेरे और डैडी उधर है। सो इधर मतलब आलू वगैरह उकल रहा है जो डोसे के सब्जी के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। सो ये जैसे ही होगा, इडली का सब कपड़ा वगैरह लगा के रेडी रखा है, तो ये फटाफट मैं इडली डालूंगा, और ट्राई करूंगा जितना इडली निकाल सकता हूँ उतना, क्योंकि एक झारे में ना इडली के एक झारे में, झारा मतलब क्या आप लोगों को पता था, ये रहता है झारा इतना बड़ा, और इसके अंदर देखो कितने, 1, 2, 3, 4 और नीचे 5, तो टोटल 96-94 इडली आते एक ही बार में। सो ट्राई करूँगा 3 से 4 बार निकालने का, तो इडली का स्टॉक थोड़ा हो जाएगा, तो उधर जाने के बाद भी इडली वगैरह निकालना पड़ेगा राइट। और मेरी मम्मी यहाँ पे सुबह सुबह कांदा वगैरह काटते हुए, और राम भैया हमारे सांभर बना रहे हैं, और डैडी जस्ट इधर है, और ये शेरू तो तुम लोग को पता है कुछ काम का नहीं है, एक नंबर का अच्छा लड़का हमारे इधर। किधर आप लोग को पता है, आनंद के मम्मी डैडी के पास। आनंद के मम्मी डैडी क्या कर रहे हैं आप लोग को बताता हूँ मैं। आनंद के मम्मी डैडी यहाँ पर है, आनंद की मम्मी काम करते हुए, और ये आनंद के डैडी दोनों काम करते हैं सुबह सुबह। और एक ऐसा व्यक्ति रहता है इनके घर में जो मतलब उधर ऊपर रहता, सोइला रहता, आराम से आता 6:30-7 बजे सिर्फ सामान रखने गाड़ी का, आएंगा नहीं नीचे मम्मी डैडी को मदद करने। आगे हम लोग क्या करेंगे, उसको लात मार के उठाएंगे, उठा के आया मैं उसको। चलते ऊपर, इतना आलसी है ना गाइस तुम लोग क्या बताओ मैं। ये देखो मतलब दुनिया सुधरेगी,
ये सुधरी गाने अभी मैं इसको बता नहीं सकता, ये बंदा टी शर्ट निकल के सोलह से उठा था, एक से उठा दिया हूँ मैंने। और आनंद चलो भाई, मम्मी डैडी काम कर रहे हैं वहाँ पे और तुम सोए हो, समझ गया। चलो भाई जल्दी चलो, बाद में दूंगा। अरे चलो भाई, वो इधर जस्ट चटनी बन रहा है, अभी जस्ट डाला है मम्मी ने इधर, और इधर मम्मी जस्ट चटनी निकल रही है। ग्राइंडर जब भी जिसके पास भी रहता ना, चटनी हाथ से निकालना पड़ता है, और मम्मी हाथ से निकाली चटनी फिलहाल। सो चलते अभी हम लोग हमारा काम करते हैं। इधर डोसे की सब्जी बन रही है और इधर उपमा बन रहा है, जो अभी तक उपमा डाला नहीं है इसमें, और इधर सांभर बन रहा है। सांभर का तड़का बेड़का सब कुछ देने का बाकी है, बहुत कुछ काम है। तो चलो इडली का लगा के दे दो मेरे को जल्दी, राम भाई इडली का करके दे दो भाई, लगाओ जल्दी भट्टी वगैरह लगाओ, उतना तो ज़्यादा बोली मत सीढ़ी के। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, लगाओ जल्दी भट्टी विट्टी भाई, काम भी करेंगे थोड़ा हम। 40 मिनट हो गया मेरे भाई को जस्ट छोटा के गया मैं, और ये ना अभी तक सोया है। मतलब लोग इतने बेशर्म हो गए, मम्मी डैडी काम कर रहे उधर और ये अभी तक सोयला है। इसको अभी दूसरी बार उठाने आया मैं, भाई जगेला है कि नहीं तू, जरा तो इज्जत कर भाई, टोपी भी छोड़, तू समझता नहीं कर रहे, दूसरी बार उठाने आ रहा, उठ के अभी तक नहीं आया, 6 बजने को आ गए, घमंड है, एक नंबर का घमंडी आदमी है तू भाई। A lot of boring math later. इडली डाल दिया मैंने, एक जारा फुल और गैस वगैरह सब कुछ चालू है, और आटा बचा है, और दो तीन जारा डालने का ट्राई करूँगा। फिलहाल मैं जा रहा हूँ दुकान में, थोड़ा बिस्किट लेके आता हूँ, बिस्किट और चाय खाते बाद थोड़ी भूख लगी है, लेट्स गो। दुकान गया, दुकान ही बंद है, नहीं देते। फाइनली इडली आ चुके एक 10-15 मिनट बाद, सो फटाफट अभी मैं इसको निकलता हूँ। पानी इडली छोटी है क्या बेटा? सेकेंड टाइम डाल दिया हूँ मैं, और पूरा ट्राई करूँगा थर्ड टाइम डालने का भी। तो फटाफट आने के बाद मैं चाय बिस्किट खाएंगे। फाइनली अपनी गाड़ी वगैरह जा चुकी है चौक में, सो अभी जस्ट मैं फ्रेश हुआ और अभी मैं भी चले जाऊँगा बिजनेस पे अपने। और एक बात बताना तुमको, बात यह है जो पिछली बार तुमने हमारे ब्लॉग में देखा था, हमारे मामू किधर गए? अरे मामू किधर गए? किधर है भाई? ये देखो हमारे मामा आ गए वापस से हैदराबाद से, और वो भी खुद रहने के लिए नहीं, आदि को रखने के लिए। आदि राहुल नहीं, कितना दिन रहेगा ये मन के आने तक? एक महीना रहना रहा आदि अपने साथ, तो आदि हमारे साथ रहेगा एक महीना, कृष्णा जाएगा आदि रहेगा साथ में। कृष्णा क्या बोलता बताएगा, बोल रहा अभी आदि है ना साथ में तो मैं भी रहेगा, और उसका ऐसा है 2-2 मिनट को बदल जाता हूँ, रोने का चालू कर देता मालूम है, सीन ऐसा है। क्या नंतर ना क्या है भाई, जाएगा मेरा टेंशन मत लो भाई, मैं जाता हूँ गाइस, और अपने को मिलेगा डायरेक्ट दोपहर में, पूरी मेरी हालत खराब होने के बाद 1 बजे। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। अभी सीन क्या होगा ना, ये जो वैन का मीटर है ये देखो, गाड़ी चालू करने के बाद भी ये मीटर चालू नहीं हो रहा, और अभी वाट लग गई है बराबर संडे के दिन। ये देखो पूरा चाबी चालू करा मैं, और अभी तरह चालू नहीं हो रहा वैन, और बराबर संडे के दिन ये वैन ने धोखा दे दी, और अभी इसका बैटरी वगैरह सब कुछ स्लो है। तो वहाँ पे बिजनेस में से डैडी अभी 2 आदमी लोग को भेजेंगे, माधव और राम को, वो लोग अभी गाड़ी को धक्का देंगे और गाड़ी चौक में जाएंगे, और दूसरा कुछ नहीं है अपने पास चांस इसको लेके जाने का। गाड़ी अपने आप बैटरी लो हो गए, सुबह तो लेके आए थे हम, बट अभी आप लोग ही देख रहे हो सुबह बराबर से लेके आए और अभी बंद गिर गए। मतलब बराबर संडे के दिन गाड़ी ऐसे धोखा दे देती है भाई, क्या करने का। कोई ना, आप लोगों में मिलता हूँ 1 बजे, काफी ज्यादा आज का दिन टफ रहने वाला है, बट वी विल गिव आवर बेस्ट गाइस, लेट्स गो। 2000 इयर्स लेटर। अभी मैं सुबह से लेके अब भी आ गया हूं गाइस घर पे अभी, और अभी 11:30 बज रहे जस्ट, मम्मी जस्ट आई पूरा काम इधर का करके, संडे रहेगा करके गर्दी रहेगा, पर इतना गर्दी था सुबह से लिटरली मैं मोबाइल का चला नहीं पाया, लिटरली मोबाइल थोड़ा भी चला नहीं पाया, और मेरी बहन को भी टाइम नहीं था रिकॉर्डिंग करने, वो भी सामान ला के दे रही थी बार बार बिजनेस में। सो अभी जस्ट हम लोग आए चटनी लेने, तो चटनी लेके, चटनी और क्या लेने का शेर, बस ना
चटनी और इडली का आटा, इडली का आटा जस्ट इधर रखा हम लोग ने और चटनी इधर है। सो फटाफट इधर लेके जाएंगे और आप लोगों को मैं डायरेक्ट 1 बजे मिलूंगा गाइस, क्योंकि आज का दिन इतना ज़्यादा टफ है और कल से मतलब आज तो बहुत ज़्यादा, मतलब मैं तुमको बोला था संडे रिया ना दिमाग काम नहीं करता और आज इतना थक गया हूँ मैं सुबह से, सुबह 4:30 बजे उठा था, आप लोगों ने ब्लॉग में तो देखा रिकॉर्डिंग कर रहा था मैं। सो फटाफट अभी जैसे ही पूरा बिजनेस का काम होता है आप लोगों को जब भी घर जाऊँगा मैं तभी मिलूंगा, स्टे ट्यून गाइस। गाइस फाइनली घर पे आ चुका हूँ मैं सुबह से लेके अभी तक, अभी 1:30 बज रहे हैं और आज इतना थक गया हूँ मैं। मम्मी ना मेरे को लगा मम्मी आएंगी 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 पर मम्मी का भी आई मानो का गिरा गया एकदम स्लो, 11:30 बजे 11:30 बजे घर का सब काम करके आए थे मैं 11:30 बजे तक, मम्मी ऐसी वाट लगी सुबह तक मेरी। शेरू को पूछो शेरू क्या बोल रहा था, शेरू को बुला एक बार, शेरू को बुला ना एक बार, इतना काम करा आज गाइस सैटरडे से, आज संडे को ना डबल लोड रहता मान लेंगे हमेशा। और मम्मी जस्ट अभी खाना बना रही है एकदम मस्त गरम गरम दाल, आज कुछ स्पेशल नहीं बनाई है, कुछ नहीं दाल चावल ही बना रही आज भाई, नहीं कुछ भी नहीं बना रही। ठीक है मम्मी भी थक गए यार, मम्मी को भी नको होता, सुबह गए ला मैं 4:30 बजे और रात को 4:30 घंटा सोए ला मैं और 4:30 बजे 12 बजे बोल के ना 4:30 बजे हैदराबाद से हमारे मेहमान है और मैं नींद में था, ये लोग को लगता कि हमको कुछ समझता नहीं, नींद में आके विमल का पैकेट लेके मेरे होट के इधर ऐसा ऐसा कर रही थी क्या मेरे को समझता नहीं लगा क्या तुमको? हाँ मामा तुम क्या लगा मेरे को नहीं समझता ऐसा? हाँ मामा लोग डेंजर हो गए मेरे, अरे मामा का लड़का तुम लोग को मालूम है आदित्यनाथ, आदित्यनाथ महाराज इतने दिन सर हो रहा था पुणे में रहने के लिए और फाइनली आ गया है और अभी डायरेक्ट जाएगा जून को। स्कूल कभी बस ना मैं तुझे 11 जून ना 11 जून को है तो जून के फर्स्ट वीक में चला जाएगा और बहुत जल्दी आया, बब्बी का बर्थडे के दिन आते थे मस्त मिक्स फ्रूट वाला केक खाने मिलता था, क्या बोल रहे केक कसा होता माँ कृष्णा? मस्त होता एकदम मस्त माँ, अपन मांगूत आज केक मिक्स फ्रूट वाला। ठीक है आधी के लिए हम लोग मिक्स फ्रूट का केक मंगाएंगे, 1/2 kg ऑर्डर देंगे और हम लोग खाएंगे सब लोग थोड़ा 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 करके। और ये मैडम को जज छोड़ा है, ये मैडम तो टट्टी चले ही करती है हमेशा बेड पर आके, मैडम चलो ओ मतरमा चलो हाँ। और फाइनली जैसे कि आपने कल के व्लॉग में देखा था ये मेरी बहन लेके गई थी शादी बुक्स और फाइनली बहन के घर पे जाके मेरे कवर करके लेके आई चोर और हस्ती है, सो हस्ती का बस्ती है तो वो बात आ लेके। तो अभी हम लोग चलते नहाने क्योंकि पानी आ चुका है फाइनली गाइस, तो फटाफट नहाता हूं मैं और आप लोगों को नहाने के बाद मिलता हूं। आज का दिन इतना ज्यादा टफ था भाई गाइस, क्या बोलूं मैं, ऑफ कैमरा मतलब मैं कुछ बताता नहीं हूं ज्यादा और ऑन कैमरा में काम होने के बाद मिलता हूं आप लोगों को डायरेक्ट, बट ऑफ कैमरा जो हालत टाइट होती है ना आप लोग जो करता है उसको पता है। सो स्टे ट्यून्ड में चुका है और आज संडे, संडे के दिन कुछ अलग खाते हैं हम लोग स्पेशल, स्पेशल नहीं कुछ नहीं, आज मम्मी ने चावल भाजी भी नहीं बनाई, मम्मी ने दाल और चावल बनाए, मस्त दाल और चावल घी, ये तीन ऐसी चीज है ना जिंदगी भर खाएंगा मैं कभी मतलब भूलेगा नहीं, पर मम्मी के हाथ का बाकी किसके हाथ का नहीं। एक बात तुम लोग को और एक बात तुम लोग को बताना है अभी, ये आदि प्रेम कृष्णा प्रेम नहीं, प्रेम तो हैदराबाद में खा रहा है, वो जिसका जाने दो अभी वो क्या कर रहा है पता है, प्रेम प्रेम एक और है कि उसको ब्लॉग में मैं दिखाएंगा, अभी वो गांव में, अभी ये दोनों इधर है ना तो वो उधर रो रहा है, बट कोई ना अभी ये लोग क्या कर रहे हैं, तीनों पिक्चर देख रहे हैं, तीनों पिक्चर देख रहे हैं, तीनों में से सबसे ज्यादा कृष्णा का होता है, तो लोगों को बताता हूँ मैं कृष्णा की फाड़ते हम लोग, एक सेकंड ये देखो, ये देखो कृष्णा डर चुका है गाइस, कृष्णा की वाट लग चुकी है गाइस। अभी जस्ट मेरा खाना खा के हो चुका है और हम सब लोगों ने खाना खाया, कृष्णा बब्बी और आदि, तो अभी सीन क्या है तो खाना वगैरह खा के हो चुका है मेरा, पेट भर के खाना खाया होगा तो अभी मैं सो जाऊंगा और आप लोगों को डायरेक्ट कल मिलूंगा गाइस। तो आज का व्लॉग हम लोग जल्दी एंड करते हैं, आज का व्लॉग छोटा रहेगा बड़ा रहेगा मुझे नहीं पता और जल्दी एंड कर रहा हूँ मैं क्योंकि संडे मुझे भी थोड़ा टाइम चाहिए यार। सो आई होप तुम लोग अभी तक मेरा व्लॉग दिख रहे हो, अगर दिख रहे हो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो, तब तक के लिए आप लोगों को मिलता होगा, पीस आउट गाइस।